नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। कपाल मोचन मेले में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर खबरों का दौर जारी। लक्कड़ मंडी की समस्याओं को लेकर हुई बैठक। लाखों लोग टीले पर जूते चप्पल मारकर निभाते हैं रस्म। पिता की रिटायरमेंट के दिन बेटे की मौत से सदमे में परिवार। गेस्ट टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। और अब गतिविधियां विस्तार से। जब मोहल्ले में हो पूजा तो सरकारी पद का रखिए ख्याल। मेले में सहयोग देने पर हो जाएगी प्रतिष्ठा धूमिल। कपाल मोचन मेले में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर खबरों का दौर जारी। पिछले दो दिनों से विभिन्न चैनलों पर पुजारी बनाए जाने की जा रही आलोचना। कपाल मोचन मेले में टीचर की ड्यूटी लगाने को लेकर देश भर में आलोचना की जा रही है। विभिन्न चैनल पिछले दो दिनों से टीचर के शोषण और उनके हक को लेकर काफ़ी इफेक्टिव तरह से न्यूज़ दिखा रहे हैं, लेकिन उसी यमुनानगर में पिछले काफ़ी समय से टीचर्स का प्रदर्शन जारी है, जिसकी बड़े मीडिया न्यूज़ में खबरों के लिए जगह नहीं है। टीचर और आम आदमी इसी समाज के हिस्से हैं, जिन्हें समाज में होने वाले सभी अच्छे कार्यों में समान रूप से हिस्सा लेना पड़ता है। अगर हमारे मोहल्ले में कोई लंगर या कोई पूजा का आयोजन किया जाता है तो उस समय यह महत्व नहीं रखता कि हम टीचर हैं या जिला उपायुक्त हैं। उसी तरह से यमुनानगर जिले में जब देश की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले कपाल मोचन मेले में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई तो इस पे इतना बवाल क्यों बरपा है। कहावतें हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस कहावत से पता चलता है कि ज्ञान की हमेशा से पूजा होती रही है, और इसी को देखते हुए प्रशासन ने टीचर्स की ड्यूटी कपाल मोचन मेले में लगाई थी। इस मेले को लेकर जितनी जिम्मेवारी जिला प्रशासन और आम लोगों की बनती है, उतनी ही जिम्मेवारी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु की बनती है। ऐसे में कपाल मोचन मेले को लेकर जिले के प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर पद, जात पात और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर कपाल मोचन मेले को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए, ताकि इस मेले की प्रसिद्धि हरियाणा से निकलकर विश्व के मानस पटल पर विख्यात हो जाए। पुजारी के लिए डीसी साहब लगाते हैं, जिला उपायुक्त महोदय किए जाते हैं, आदेशों का पालन हमें करना होता है। हिंदी टीचर्स की लगा रखी मंदिरों में ड्यूटी, उसके लिए पहले ना थोड़ा ट्रेंड किया, बताया हमें मंत्र उच्चारण के बारे में थोड़ा सा हल्का सा, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह। लक्कड़ मंडी की समस्याओं को लेकर हुई बैठक। जिला उपायुक्त ने समस्या का जल्द निदान करने के दिए आदेश। जिला आरती एसोसिएशन यमुनानगर की आज जिला सचिवालय में मीटिंग हुई। इसमें संगठनों के अधिकारियों ने लक्कड़ मंडी की विभिन्न समस्याओं को लेकर डीसी के साथ विचार विमर्श किया। पिछले काफ़ी समय से यमुनानगर शहर की विभिन्न जगहों पर लक्कड़ मंडी में आने वाली ट्रॉलीज के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं आए दिन शहर में हादसे होते रहते हैं। जिला उपायुक्त ने संगठनों के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी तालमेल बिठाकर समस्या का निदान करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लक्कड़ मंडी की समस्याओं को प्राथमिक आधार पर जल्द से निपटारा किया जाए। साथ ही लक्कड़ मंडी एसोसिएशन के अधिकारियों को भी दिए गए निर्देशानुसार नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लाखों लोग टीले पर जूते चप्पल मारकर निभाते हैं रस्म। सती के श्राप के बाद किला हुआ था मिट्टी के टीले में तब्दील। कपाल मोचन मेला, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहां बने सरोवर में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुछ हैरान करने वाली दंत कथाएं भी इस मेले से जुड़ी हुई हैं। कपाल मोचन मेले से थोड़ी दूर एक ध्वस्त किले पर जूता मारने का रिवाज है। इस दौरान श्रद्धालु जूता मारकर अधर्मी राजा को गाली देते हैं। इतिहास में दर्ज कहानियों के अनुसार राजा का यह किला था।
एक विवाहिता राजा को श्राप देकर सती हो गई थी, तभी से राजा का यह किला टीलों में तब्दील हो गया था। कहा जाता है कि राजा रास्ते में जाने वाली डोलियों को लूटा करता था। एक दिन वह एक ब्राह्मण की बेटी की डोली को लूट कर ले आया। तब वह विवाहिता पानी के कुंड में कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी श्राप के बाद वह किला मिट्टी के किले में तब्दील हो गया। ਭੂਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਟਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਛਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੱਪੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਛਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸਾਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਛਤੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਸਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਭੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ। पिता की रिटायरमेंट पर बेटे की मौत से सदमे में है परिवार। रिटायरमेंट पार्टी से घर जाते वक्त हुआ हादसा। दो दिन से चल रहे इलाज के बाद आज हुई मौत। रेलवे में नौकरी कर रहे एक व्यक्ति के बेटे की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है। आज पूरा परिवार कोस रहा है कि किस घड़ी में रिटायरमेंट पार्टी से वह घर जा रहा था। बाबा कॉलोनी यमुनानगर के रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी की 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट पार्टी थी। पार्टी के बीच में किसी काम को लेकर उसका बेटा घर जाने लगा। जैसे ही वह रिजोर्ट से निकला तो गेट से बाहर निकलते ही सामने से आ रहे वाहन से उसकी टक्कर हो गई, जिससे एक्टिवा पर बैठे दोनों घायल हो गए। इसके बाद घायलों को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें से आज रेलवे कर्मचारी के बेटे की मौत हो गई। वहीं घायल का इलाज चल रहा है। जिन कंधों पर बाप ने सोचा था कि उसे जाना है, आज वही पिता अपने बेटे को कंधे पर उठाए शमशान पहुंचा। इस अचानक हुए हादसे से आज पूरी बाबा कॉलोनी के लोगों में शोक की लहर है। मेरा कजन ब्रदर था, मेरे मामा जी का बेटा था। कैसे हुआ जी? ये रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, कुछ सामान लेने के लिए घर के लिए जा रहा था। अचानक ही आमने सामने टक्कर हो गई। जैसे ही पैदल से बाहर निकला तो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी, आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके कारण इसका सिर डिवाइडर में जा गिरा। ये 31 तारीख रात की घटना है, 8:30 बजे करीब की, और अमन पैलेस के पास हॉस्पिटल में उपचार चला इनका। और उपचार चलने के बाद ये ठीक भी हो गए थे। और अचानक ये रात 2 तारीख सुबह 12:30 बजे करीब इनकी तबीयत बिगड़ गई, और सुबह मॉर्निंग में हार्ट बीट कम होने के कारण डॉक्टर ने जवाब दिया। वाहन के साथ हुई है, एक्टिवा थी दोनों, वाहन सामने टकरा गई अचानक। दोनों एक्टिवा ये बाबा कॉलोनी। गेस्ट टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवर पाल के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स ने मनाया काला दिवस। यमुनानगर में स्कूलों से निकाले गए गेस्ट टीचर्स ने हरियाणा दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। पिछले कई सालों से स्कूलों में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को नौकरी से निकाले जाने के बाद वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। गेस्ट टीचर्स ने आज हरियाणा विधानसभा स्पीकर के निवास स्थान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे भी उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में प्रदेश सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज हरियाणा भर के अतिथि अध्यापक, प्रदेश सरकार के समस्त मंत्रियों, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास पर, स्पीकर के निवास पर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा के निवास पर जो आज काला दिवस मना रहे हैं। हरियाणा सरकार आज अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान करते हुए हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है, लेकिन हम उनको उनका वायदा याद दिलाने के लिए कि गेस्ट टीचरों को आपने आज तक नियमित नहीं किया, जबकि गेस्ट टीचरों को पक्का करने के बारे में आपने अपने घोषणा पत्र में एक वो की थी, घोषणा की थी हम आते ही पक्का करेंगे, लेकिन उसको पक्का तो करना दूर क्या, हमारे JBT साथियों को निकाल दिया। आज 100 दिन हो गए कम से कम JBT साथी बाहर बैठे हुए हैं,
रोजगार देने की तो रोजगार को पक्का करने की तो बात क्या, और रोजगार को छीन रही है सरकार, तो वो उसके कारण से हम दो रोज स्वरूप जो है आज सुबह से आज यहाँ सारा दिन धरना प्रदर्शन करते हुए काला दिवस मना रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन क्रमिक प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे JBD साथियों को विभाग में वापस नहीं लिया जाता और हमारे गेस्ट टीचर को पक्का नहीं किया जाता। चुनाव में हमने जब इस सरकार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिया था कि समस्त गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे, तो हमने इनके कार्यकर्ता के रूप में सारे फील्ड के अंदर काम किया, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में वोट एक एक वोट जो है BJP कमल के फूल पर लगवाई, लेकिन हमें उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी इनकी, और सरकार बनी, हमें पूरी उम्मीद हो गई कि अब हमें पक्का करेगी, लेकिन पक्का करना दूर का बल्कि और रोजगार छीन रही है हमारी, तो अगला चुनाव आ रहा है, नजदीक आ रहा है, हम जरूर इसका बदला लेंगे इनसे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.